friends, welcome back to my channel, welcome to your channel, welcome to Indian Beauty Guide. आप लोगों ने देख ही हो दोस्तों, ये आज होने वाली है और एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की रिव्यू. तो आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है मामा अर्थ की न्यू लॉन्च. ये है मामा अर्थ की ग्लो सीरम फाउंडेशन. इसकी एक बड़ी वाली पैक आती है, वो ये उन लोगों ने एक छोटू वाला सा पैक लॉन्च किया है जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. ये है ग्लो सीरम फाउंडेशन विटामिन सी, मेड सेफ है, 03 न्यू ग्लो इसकी शेड नंबर है और इसकी जो प्राइस है 349 है. मैंने इसको नायका से परचेज किया था तो मुझे थोड़े बहुत डिस्काउंट्स वहाँ पे मिल गए थे दोस्तों. और इसकी जो नेट क्वांटिटी है 18 ml प्रोडक्ट है दोस्तों. इंग्रेडिएंट्स कहीं पे भी नहीं है दोस्तों, कहीं पे भी नहीं है. तो चलिए इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. ये जो इसमें जो विटामिन सी है वो हेल्प्स करती है आपकी स्किन को ब्राइटर दिखाने में और टर्मरिक प्रोवाइड्स करती है एंटी ऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन. ये पैक्ड हुआ है 4/23 को और आप यूज़ बिफोर 36 मंथ्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आप लोगों से बातें करने के लिए मैंने जो टचअप किया है ना, तो मैं इसी फाउंडेशन की मदद से टचअप किया है दोस्तों. तो चलिए वो वाली पार्ट देख लेते हैं. शेड मुझे मिला, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि 03 न्यूड ग्लो ही ठीक है दोस्तों. पर आप लोगों से बातें करते करते देख सकते हो, मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एकदम लाइट वेटेड है, अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, इजीली ब्लेंड हो जाती है. पर मुझे एक चीज़ और लगी कि मुझे लगा कि अगर आप इस फाउंडेशन को लगा के बाहर जाओगे गर्मी में तो आपको थोड़ा बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, अगर आपको स्वेटिंग होती है तो. अगर स्वेटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है. और फाउंडेशन के साथ अगर आप फाउंडेशन कुछ भी फाउंडेशन लगा रहे हो उसके अच्छे तरीके से अगर सेट कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट जो है वो ट्यूब में पूरा भरा हुआ है दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पैसे दिया है कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है, नहीं, प्रोडक्ट पूरा फुल है. और ये काफ़ी छोटू वाला पैक है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो. अगर आप कहीं बाहर पे जा रहे हो ट्रैवल पे तो इसको इजीली कैरी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों. और इसकी जो मतलब इसकी जो फॉर्मूला है वो टोटली क्रीम बेस्ड टेक्सचर है, पर ये क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है और एकदम सॉफ्ट फिनिश देती है. आपको ऐसा कोई भी ग्रीजी सा फील नहीं देगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको कुछ हैवी वाला फाउंडेशन आपने लगा लिया है, नहीं, एकदम वेटलेस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे. और एक हल्की सी जब आप इस फाउंडेशन को लगाओगे और जब आपको आपकी फेस के ऊपर ये टोटली सेट हो जाएगी, एक टोटली एक लाइट वाली ग्लो भी फील कराती है, जो कि मुझे बात पसंद आई है. सो ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट ये देखने में छोटू साइज़ में छोटू है, पर ये है एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका. काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे फॉर्मुलेशंस है, पर इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशंस नहीं है, वो मेंशन होनी चाहिए थी दोस्तों. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन को अच्छी एक फ्लॉलेस लुक दिखाती है और एक अच्छी वाली क्रीमी टेक्सचर के साथ आती है. इसकी वजह से आपको ब्लेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो एकदम अच्छी वाली फॉर्मूला के साथ आती है. और मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आप अगर एक अच्छी वाली फाउंडेशन ढूंढ रहे हो अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो के साथ, तो आप बेझिझक होके इसके साथ जा सकते हो दोस्तों. वहाँ पर ज़्यादातर शेड तो अवेलेबल नहीं है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो. सो आई होप कि आपको ये छोटी वाली सी वीडियो पसंद आई हो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू, कीप वॉचिंग.